नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। तो रिलीज हो गया है उस मूवी का ट्रेलर जो केजीएफ 2 से भी ज्यादा धमाकेदार साबित हो सकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तमिल इंडस्ट्री की धमाकेदार मूवी विक्रम के बारे में। विक्रम, विक्रम, दोस्तों विक्रम मूवी में आपको काफी दमदार एक्शन और भरपूर थ्रिलर देखने को मिलेगा। दोस्तों विक्रम के रिलीज किया गया ट्रेलर काफी दमदार और धमाकेदार लग रहा है और विक्रम को बनाया गया है 100 करोड़ रुपए के बजट में। दोस्तों यह खर्चा केवल मूवी को बनाने में हुआ है, अभी इसके प्रमोशन में और भी खर्चा किया जाएगा और अगर इसका ढंग से प्रमोशन हिंदी वेरिजन और भी सभी भाषाओं में किया जाता है तो वह करीब 20 करोड़ रुपए का होगा। तो मतलब हो सकता है कि इस मूवी का बजट 120 करोड़ रुपए तक हो। वहीं दोस्तों विक्रम में आपको दिखाई देंगे कमल हसन जो कि काफी बेहतरीन एक्टर है। वहीं इससे पहले वो अपनी मूवी विश्वरूपम 2 में दिखाई दिए थे और मैं आपको बता दूं कमल हसन इससे पहले भी 1986 में अपनी एक मूवी कर चुके हैं जिसका नाम भी विक्रम था और वह भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। और कमल हसन के साथ इसमें आपको दिखाई देंगे विजय सेतुपति और विजय सेतुपति इससे पहले नजर आए थे थलापति विजय की मूवी मास्टर में एक विलन का कैरेक्टर प्ले करते हुए। और कमल हसन और विजय सेतुपति के साथ इसमें फहाद फासिल को भी कास्ट किया गया है। दोस्तों ये वही फहाद फासिल है जिन्हें पुष्पा में भंवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर में कास्ट किया गया था और उन्हें भी काफी तारीफ मिली थी इस कैरेक्टर के लिए। वहीं दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मूवी में आपको सूर्या का एक छोटा सा कैमियो भी देखने को मिल सकता है जो कि एक काफी सरप्राइज एलिमेंट होगा। बाकी ये तीनों ही एक्टर काफी दमदार हैं तो इस फिल्म में आपको यकीनन दमदार एक्टिंग तो देखने को मिलने ही वाली है। और विक्रम का म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध रविचंद्रन और इससे पहले आप अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक मास्टर विजय थलापति की मूवी और रजनीकांत की मूवी दरबार में सुन चुके होंगे। वहीं दोस्तों विक्रम मूवी के डायरेक्टर हैं लोकेश कंगराज और विक्रम उनकी महज चौथी डायरेक्टेड मूवी होने वाली है और इससे पहले उन्होंने 3 सक्सेसफुल मूवी डायरेक्ट करी है, उनमें से एक है मास्टर और दूसरी है कैथी। और दोस्तों कैथी मूवी इतनी जबरदस्त मूवी है कि उसका रीमेक बॉलीवुड में भी बनाया जा रहा है और उसमें रीमेक में आपको दिखाई देंगे अजय देवगन और बॉलीवुड में इसका नाम रखा गया है विक्रम के रिलीज किए गए ट्रेलर के बारे में जो कि कमल हसन की आवाज से शुरू होता है और दमदार गोलियों की आवाज के साथ खत्म। फिलहाल ट्रेलर को इतने बेहतरीन तरीके से काटा गया है कि आप ट्रेलर को देख के इस फिल्म की कहानी का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। वहीं विक्रम मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं खुद कमल हसन और दोस्तों विक्रम को रिलीज किया जाना है 3 जून 2022 को और इस दिन आपको विक्रम ही नहीं बल्कि कई सारी और भी दमदार फिल्में देखने को मिलेंगी जैसे कि अक्षय कुमार की पृथ्वीराज और मेजर जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जानी है जो कि एक बायोपिक होगी और 26/11 के अटैक पर रिलेटेड होगी। वहीं दोस्तों 3 जून को ही OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर बॉबी देओल की सबसे सक्सेसफुल सीरीज आश्रम का तीसरा पार्ट यानी कि आश्रम 3 को भी रिलीज किया जा रहा है। मतलब 3 जून को आपको काफी सारा एंटरटेनमेंट भर भर के मिलने वाला है। वहीं दोस्तों विक्रम मूवी का हिंदी ट्रेलर आपको पैन मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा पर मुझे लगता है कि साउथ सिनेमा को हिंदी ऑडियंस को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए और जैसे ही उन्होंने तमिल इंडस्ट्री का ट्रेलर रिलीज किया था वैसे ही उन्होंने हिंदी का भी ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए था। पर इस तरह के एक्शन से देखकर यही लगता है कि साउथ इंडस्ट्री हिंदी भाषा को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और वह अपनी फिल्मों को लगता है हिंदी में जैसे रिलीज ही नहीं करना चाहती। पर दोस्तों तमिल में ट्रेलर रिलीज होने के बाद लगभग 2 दिन बाद आप इसका ट्रेलर हिंदी में पेन मूवीज पर भी देख सकते हैं। पर साउथ इंडस्ट्री जिस तरह से हिंदी पर फोकस करती है तो मुझे लगता है कि कई सारे शहरों में हो सकता है इस फिल्म को हिंदी में रिलीज ना किया जाए, लेकिन अगर इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाता है तो दर्शकों को काफी अच्छा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।